सो रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये वर्टिकल लाइन पे होगा। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे भी, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होगा, यहां पे मोशन जो होगा एक वर्टिकल लाइन पे होगा। बच्चों इस पे सवाल बहुत सारे रहते हैं, कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, जो हमने पढ़ाया वही है, बट कुछ चीजें कुछ फॉर्मूला लाइक याद कर लेते हैं। तो सुनना बच्चों, मैं कह रहा हूं दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कहोगे सर स्पेशलिटी क्या है, यहां पे मुझे पता है कि व्हाट इज एक्सलेशन। एक्सलेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, जी, और किधर है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम नेग्लेक्ट करेंगे कि अगर किसी बॉल को थ्रो किए तो एयर रेजिस्टेंस का कुछ फोर्स लगेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। एक ही फोर्स मानेंगे बच्चों, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है और एक्सेलरेशन जी है, जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है रफली, बट हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको थोड़ा सा ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई सवाल रहेगा तो उसमें दिया रहेगा जी का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है। तो सारे बच्चे शायद कनेक्ट हो गए हैं, एक बच्चा भी मिसिंग है। चलो 14 बच्चे हुए हैं अभी, ठीक है बच्चों। सो There is a ball and it is thrown with a speed u. एक बॉल को ना u स्पीड से ऊपर थ्रो कर दो। एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन इज g in downward direction. And you know that velocity का magnitude decrease होगा बच्चों। ये ऊपर जा रहा स्पीड वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जहां वेलोसिटी जीरो हो गया बच्चों, उसके बाद क्या ये यहीं रेस्ट में रहेगा? नहीं सर, ये क्या होगा, नीचे आएगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर वापस यहीं पे आ जाएगा कुछ स्पीड से। तो एकदम स्लो में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। 10 तक में कुछ बेसिक कंसेप्ट में मिस्टेक्स होते हैं या उसके अकॉर्डिंग उस समय पढ़ाते हैं। अभी मैं कुछ चीजें तो रेक्टिफाई करूंगा जो तुम्हारे मन में पहले से कुछ गलत चीज बैठा हुआ है। सुनना बच्चों, अगर मैं अभी एक्सलेशन लिखूं, बच्चे बोलते हैं कि सर जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सलेशन निगेटिव है और जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दिस इज द कॉन्सेप्ट 10 तक के टीचर भी बताते हैं, बच्चे भी जानते हैं, 10 तक के लिए सही है। अभी मैं प्लस और माइनस से क्या दिखाऊंगा, डायरेक्शन दिखाऊंगा बच्चों। सारे बच्चे सुनना, प्लस और माइनस साइन यूज करूंगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब मैं बात करूं कि वी टेक दिस अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ वी टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन में क्या लिखूं, जी डाउनवर्ड है, कैन वी राइट एक्सेलरेशन इज माइनस जी। बॉल ऊपर जा रहा है या बॉल नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, कितना है, जी। क्लियर? तो बच्चों अब से तुम 10 तक जो करते थे वो भूल जाओ, अब से लिखो वेदर बॉल इज गोइंग अप और बॉल इज गोइंग डाउन, एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, माइनस साइन इज फॉर डायरेक्शन।
कहोगे सर 10th तक जो पढ़ा वो गलत पढ़ा था क्या? मैं कहूंगा नहीं, वहां पे भी सही पढ़ा था। एक्चुअली वहां पे क्या था कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो बॉल का वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए कहते थे निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा था। लेकिन जब बॉल नीचे आ रहा है बच्चों तो वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में था, इसलिए स्पीड बढ़ रहा था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड विल डिक्रीज। इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द स्पीड विल इंक्रीज। आयुष, यहां तक क्लियर? यस सर। अब सुनना, अभी मैं प्लस और माइनस से पिछले क्लास में कहा था हम डायरेक्शंस दिखाएंगे, तो एक्सेलरेशन अगर आप वर्ड को पॉजिटिव लिया है, डायरेक्शंस को अपने मन में रख लो कि ये मैंने लिया है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? माइनस सी। और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर जाएगा जीरो हो जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। जब नीचे आने लगेगा तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बच्चों इसमें सवाल ये आता है, पहला सवाल, फाइंड टाइम व्हेन बॉल विल कम टू रेस्ट मोमेंटरली। क्यों मोमेंटरली? एक मोमेंट के लिए ही रेस्ट में आएगा बच्चों, उसके बाद फिर ये नीचे आने लगेगा। तो एकदम ध्यान से, एक एक सवाल एकदम ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो क्या करेंगे? रेटिलर मोशन है, कम टू रेस्ट, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है? जीरो। और v इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? u प्लस ए टी। क्या ले लेंगे? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्लस यू है। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? माइनस जी है इनटू टी। सो टी आ गया यू अपॉन जी। ठीक, दूसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट कितना गया है ये निकालना है, ये हाइट निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का क्या कंडीशन होगा? कंडीशन पहले ढूंढना। जैसे पूछा था मोमेंटरली रेस्ट में आया, मतलब वेलोसिटी क्या कर लिया? जीरो। मैक्सिमम हाइट पहुंचने का कंडीशन होगा जब तक वेलोसिटी ऊपर है, इट इज गोइंग अप अप अप। द मोमेंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इसके ऊपर और जाएगा क्या? यू विल से नो, उसके बाद ये नीचे ही आएगा। ओके बच्चों, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये एच निकालना है बच्चों, ये एच निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लिखा है? वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम द टू मेथड, बिकॉज ऑलरेडी हमने टाइम निकाल लिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि इतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट, या तुम कहोगे सर यहां का वेलोसिटी पता है, यहां का वेलोसिटी पता है, एच निकालना है, तो हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गुड फॉर्मूला, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, एंड दिस इज इजी वन। सो व्हाट विल बी द आंसर? वी बच्चों जीरो, एकदम स्लो जा रहा हूं, धीरे धीरे
फास्ट होते जाऊंगा तो अभी 100% समझ में आना चाहिए. माइनस यू टू एक्सेशन इज माइनस जी और एस यही हाइट है एच. तो ये माइनस चला जाएगा. मैं अब सारा चीज बोल रहा हूं है ना, डाउट पूछने का मौका ही नहीं दूंगा. एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी. दिस इज द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स. लिख लो बच्चों यहां तक. सो नेक्स्ट सवाल बच्चों, यहां से हमने थ्रो किया यू स्पीड से, ये ऐसे जाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा. यहां पे वेलोसिटी कितना है? जीरो. और एक सवाल तुम्हें मिलेगा, बड़ा फेमस सवाल है मेडिकल में, जेई मेन में ऐसे पूछ देता, बुकलेट में मिलेगा कि किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. इफ वेलोसिटी जीरो देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. इज द स्टेटमेंट करेक्ट? नो सर. नो सर. उसका एग्जांपल यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी जीरो है बच्चों, मोमेंटली रेस्ट में है, बट एक्सेलरेशन है कितना है? जी है, डाउनवर्ड है ना. चलो बच्चों, ये ऊपर गया और फिर वापस यहीं पे आ गया. पूछेगा कि कितना टाइम लगा, जहां से थ्रो किया वहीं से वापस आ गया तो कितना टाइम लगेगा. इसी को जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना देर एयर में रहा है ना. So, what is the condition? बच्चों कंडीशन क्या है? यहां से थ्रो किए वापस भी यही आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? जीरो. तो कंडीशन ढूंढना है किसी चीज के लिए, कंडीशन ढूंढना है कि क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो. और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंपल. एस के जगह पे जीरो, यू के जगह पे यू, और ए के जगह पे बच्चों माइनस हाफ, सॉरी माइनस जी, ऐसे लिख लेंगे बच्चों. यहां से टी कॉमन ले लो, यू माइनस हाफ जी टी. अब इसका दो सॉल्यूशन है बच्चों. एक सॉल्यूशन टी इक्वल टू जीरो और दूसरा इतना इक्वल टू जीरो. हो जाएगा 2u by g. अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो तो होगा नहीं, जीरो पे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है ही. एक दूसरे टाइम पे जो जीरो डिस्प्लेसमेंट है इसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. है ना. बच्चों ऊपर जाने का टाइम कितना था? u by g. नीचे आने का टाइम कितना था? कितना होगा? u by g. टाइम ऑफ एसेंट. तो बच्चों टाइम ऑफ एसेंट भी कितना है? u by g है. और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना हो जाएगा? u by g होगा. एंड वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग. ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. प्रैक्टिकली चीजें थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज एयर ड्रैग लगेगा. वी विल कंसीडर इट लेटर, बाद में हम देखेंगे इसको. अभी तक क्लियर ये? यस सर. ठीक है बच्चों, अभी दो फॉर्मूले याद कर लिए, इनफैक्ट तीन कह सकते हो. मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय जी. मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा? यू बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट वापस कब आएगा? टू यू बाई जी.
चलो अब सवाल लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक बॉल को यूएस स्पीड से थ्रो किया गया, फाइंड द स्पीड व्हेन इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ए बॉल इज थ्रोन अप with a speed u, find its a speed when साथ साथ लिखते जाओ नोटबुक में मेरी आवाज सुन के, when it is actually power cut हो गया और हमने charging में लगाया भी नहीं था, चार्जिंग डाउन है। व्हेन इट इज एट हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, व्हेन इट इज हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। बच्चों इसमें क्या लगाएं, क्या कंसेप्ट यूज करें, यू विल से दैट कि सर अगर यू स्पीड से थ्रो किया है तो मैक्सिमम हाइट है कितना, यू स्क्वायर बाय जी, और ये किस पॉइंट पर स्पीड पूछ रहा है, व्हेन इट इज हाइट एट एच बाय टू, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहा है। सो विच फॉर्मूला वी विल प्रीफर टू यूज, वी विल यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। बताओ वी पता है, नहीं, वी निकालना है, यू पता है, यस यू पता है, ए कितना है बच्चों माइनस जी, व्हाट इज एस, यू स्क्वायर बाई टू जी है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉरी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय टू को तो ये फोर हो जाएगा ना, यस यस तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वी स्क्वायर जीरो, सॉरी वी निकालना है वी स्क्वायर That is equal to u square को उधर लेके चले जाओ, u square minus यहाँ पे बचेगा u square by 2, that is equal to u square by 2, so v कितना हो जाएगा बच्चों, u by root 2, u by root 2। अगर वेलोसिटी पूछता है तो देखो एक बार दो जगह बार यहां पे आएगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, तो जाते समय अगर कहेंगे तो प्लस यू बाई टू और आते समय तो माइनस यू बाई टू, इसलिए वी इज इक्वल टू ऐसे लिखा भी जाए तो प्लस बीच में नेटवर्क चला गया था। चलो पावर चली गई थी, अभी आ गई है पावर तो दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों तो ये तो सॉल्व हो गया,
मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी, मैंने गलती से यू स्क्वायर बाई जी लिख दिया था। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई फोर जी, यहाँ पर स्पीड निकालना है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो। ये बड़ा फेमस सम है, ये ध्यान में रखना। छोटा सा सवाल लेते हैं, यू स्पीड से थ्रो किया, ये कितना दूर जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, जी जो लेना है, जी इक्वल टू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शंस देख लेना। ठीक, पहला फाइंड एच, दूसरा when it will return to its initial position, tisra what will be height when its speed is 10 meter per second. बच्चों इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये बस मस्ती के लिए दिया हूं, ये तो होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो तुम लोग मन से पढ़ नहीं रहे हो। अब एक अच्छा सवाल, एक इजी सवाल के बाद एक अच्छा सा सवाल ले रहा हूं। चलो बच्चों, ये आई होप कि हो गया होगा। एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया, ए बॉल इज थ्रोन विथ अ स्पीड यू, it appears at certain height twice at time t1 is equal to 4 seconds and t2 is equal to 6 seconds. Fine. पहला सवाल, find the height. Sorry. Find speed of प्रोजेक्शन, मतलब जो प्रोजेक्ट किया, जो थ्रो किया वो क्या है, दैट इज यू क्या है वो निकालना है। और दूसरा, फाइंड द हाइट। और तीसरा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पॉइंट। What is the speed at the point? कौन सा पॉइंट जहां पे वो दो बार अपीयर हो रहा है, कब कब, 4 सेकंड और 6 सेकंड पर। ये बच्चों अच्छा सा सवाल है, इसको अच्छे से कर लो, समझ लेना। इसको मैं समझाता हूँ बच्चों, इसको दो तरीके समझाऊंगा, दो तरीके सॉल्व करूंगा।
तुम्हें टाइम दे थोड़ा या करूँ स्टार्ट? सर टाइम दे। सुनो, एक मिनट का टाइम है, दो मिनट का टाइम है। बच्चों अभी भी स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? यश श्रावण क्लियर है? क्लियर है ना? चलो बच्चों इसको करते हैं, पहले मैथ से करते हैं, ठीक है? मैथ वाला पॉइंट है इसमें। अब ये सर्टेन हाइट दिया है, मान लेते हैं ये हाइट h है, ठीक? कुछ बच्चे ये वाला ज्यादा प्रीफर करते हैं, u स्पीड से थ्रो कर रहा है, कह रहा कि यहां पे आया है, तो मान लो यहां पे t टाइम में आया है। इक्वेशन लिख लेते हैं, s की जगह पे h, s इज इक्वल टू ut एक्सेलरेशन। बच्चों अच्छा ये हमेशा सवाल में क्या करना, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, जिसे मैं अपवर्ड को मोस्टली पॉजिटिव लेता हूं, तो अपवर्ड को ले लिया पॉजिटिव, तो u हो गया पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, ठीक है ना? इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, 2h that is equal to 2ut minus gt square. इसको इधर लिख आ जाओ, gt square minus 2ut plus 2h that is equal to zero. बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कह रहा कि मैंने माना कि t टाइम पर ये यहां पे है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दैट मींस इस t का दो सॉल्यूशन होगा बच्चों, दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूप है ना? और ये सवाल में भी कहा है कि यहां पे दो बार आएगा, t1 टाइम पे आएगा, t2 टाइम पे आएगा, तो मतलब t1 t2 जो हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा बच्चों, ये जानते हो तुम लोग roots of this equation t1 and t2. So t1 plus t2 क्या होता है quadratic equation में? 2u by g. ax square plus bx plus c is equal to zero में alpha beta are roots. So alpha beta is equal to minus b by a. Am I right? B by e. So t1 plus t2 जो हो जाएगा 2u by g हो जाएगा, am I right now? और t1 दिया है क्या? Yes, 4 second, 6 second. मुझे तो u निकालना था, देखो u आ गया बहुत ही simply. 2u by g that is equal to 10. So u is equal to आ गया 50 meter per second. अच्छा मैंने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज दैट हाइट h, कैसे निकाले बच्चों? t1 into t2 क्या हो जाएगा? 2h by g. h is equal to क्या हो गया? g by 2 into t1 t2. Is it clear? Yes, sir. ये हो गया बच्चों मैथमेटिक्स से हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा फिजिक्स से भी देखते हैं कि ये सवाल को सॉल्व कर पाएंगे क्या। देखना इसको हमने यू स्पीड से थ्रो किया और
ये गया, यहाँ पे जाने का टाइम है T1 और कह रहा कि ये ऐसे गया और यहां से यहां आया, ये T2। बात समझ में आई? दूसरी बार जो आती है, तो ये यहां से जाने का टाइम ऐसे गया और यहां आने का टाइम T2। मैं कहूंगा अगर जैसा मोशन इधर से जाने का है बच्चों, आते समय भी वैसा ही मोशन है, तो जाने का टाइम T1, तो ये आने का टाइम भी T1। सो नाउ थिंक, ये टाइम T2 और ये टाइम T1, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा T1 + T2। दैट मीन्स 2u/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज T1 + T2। तो क्लियर ये? यस सर। तो ये बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, u निकल गया, u निकल गया, T1 दिया हुआ, ये हाइट भी निकल सकता है, यहाँ पे स्पीड भी निकल सकता है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। तो एक दूसरा मेथड, एक मेथड ये, एक मेथड ये, जो भी आसान लगे कर लेना। अब अच्छा थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अभी तक हम लोग ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे बॉल को, अब मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखना, देखो दिमाग लगाना, कंसेप्ट थ्योरी मैंने पढ़ा दिया बच्चों। मैंने एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से थ्रो किया एक बॉल को, यू इज इक्वल टू सपोज 20 m/s से, और ये बॉल जा करके ऐसे गया, थोड़ा सा इधर थ्रो किया था तो ये नीचे ग्राउंड पे हिट किया, एंड इट इज थ्रोन एट t इक्वल टू 0, इट हिट द ग्राउंड एट t इक्वल टू 6 seconds। 6 seconds पे ये हिट किया है, तो बताओ पहला सवाल कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लिखो ए बॉल इज थ्रोन अप from a top of a tower। बच्चों ये 100% समझ में आना चाहिए ऐसे सवाल, with a speed 20 m/s यार, corner of a top of a tower, ऐसे थ्रो किया, ये ऊपर गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा साइड से ये नीचे आके हिट किया। If hit base of the tower at equal to 6 seconds, then find pahla sawal, and find height of the tower। दूसरा सवाल, with what speed it hit the ground या base of the tower। तीसरा, find distance traveled by the ball। Okay बच्चों, और ये distance traveled किस interval में बच्चों, 0 पे थ्रो किया और 3 सेकंड पे पूछा,
देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरा अभिषेक ने आंसर कर दिया था, मल्हार ने आंसर कर दिया था, चलो इसका आंसर करो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। बच्चों पहला सवाल लेते हैं, देखो अब क्या दिया हुआ, यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियली, यहाँ पे हिट कर रहा है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, निकालना क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ध्यान से सुनना, अब तुम्हें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, किस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लू, जो कहोगे मैं वही करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लू या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लू, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ अनुष्का कैसे सॉल्व करो, यू आर फ्री टू चूज द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। सर डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, उसने कहा सर डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लो, मैं इधर जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ सो सो एक्सेस हो जाएगा बच्चों जी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -20 अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट ये हाइट एच है तो डिस्प्लेसमेंट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एच हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी -20 और टाइम कितना है बच्चों देखो 6 सेकेंड है, यूटी प्लस हाफ ए कितना है +10 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा -120 प्लस ए कितना हो जाएगा 18 प्लस 180 60 मीटर। बच्चों ये टावर की हाइट कितनी आ गई 60 मीटर। मैंने पूछा दूसरा सवाल कि किस स्पीड से ये इसको हिट किया है, दूसरा फॉर्मूला लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, v निकालना है, u कितना है -20 है बच्चों, a कितना है +10, t कितना है 60, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, जिस समय हिट किया उस समय इसका वेलोसिटी किधर है 40 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है मतलब डाउनवर्ड में। और तीसरा सवाल है डिस्टेंस ट्रेवल, ये मैं नहीं बता रहा, डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, मान लो ये स्मॉल एच लिख लिया मैक्सिमम हाइट, तो 2h प्लस कैपिटल h, 2 टाइम्स ऑफ h कितना है u² / 2g प्लस h कितना है 60 मीटर, अभी अभी निकाला है, तो ये 2 और 2 चला गया, u² आ जाएगा 20 इंटू 20/10 ठीक है ना, अब प्लस 60 हो जाएगा बच्चों 100 मीटर। सर चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले रहा हूं,
ए बॉल को ड्रॉप कर दिया है एक हाइट एच से, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड एक्सेशन तो जी है। अब बच्चों यहां पे देखोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा अगर ड्रॉप किया है तो जीरो। प्रीफर करूंगा कि डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लो बच्चों अपने मन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्सेशन भी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो हमें निकालना है कि किस कितने टाइम में वो हिट किया, ये टाइम निकालना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस के जगह पे एच, यू के जगह पे जीरो प्लस ए के जगह पे जी इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों टी आ जाएगा टू एच बाई जी का रूट। टू एच बाय जी का रूट। सर हाँ बोलो। सर हमने वो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया इसलिए फिर वो जी भी पॉजिटिव हो गया ना। हाँ आयुष इसलिए जी पॉजिटिव है। अगर तुम लोगों ने कहते कि नहीं सर मुझे अपवर्ड पॉजिटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता इधर डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एच और एक्सेशन भी माइनस जी, तब भी आंसर यही आता है ना। यस सर थैंक यू सर। मैं बता देता हूँ, एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया व्हेन इट विल रिटर्न बैक टू हियर व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ये पूछा जाए। मैंने बताया ना ऐसे बताते हैं, तो तुम कह रहे कि सर एक काम करो आप v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड को ही पॉजिटिव ले रहा हूं, a g नीचे हो जाएगा बच्चों तो माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था u बाई जी हो जाएगा ये माइनस u, तो वेलोसिटी हो गया माइनस u व्हेन इट विल रिटर्न टू सेम पोजिशन। माइनस यू बताना डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा है ना, क्योंकि एयर ड्रैग ये सब नहीं लिए। अब आगे बताओ क्वेश्चन, और कुछ डाउट है इसमें? नो सर। इनर्जी कंजर्वेशन से प्रूफ कर सकते हैं, अभिषेक ने बताया ये सब विषय, बट अभी एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पता है तुम लोगों को सब बच्चों को है ना, एक आध बच्चे पढ़े होंगे, सो वी कांट गो थ्रू दैट मेथड, अभी हम लोग वो नहीं बता सकते हैं है ना। या इसी को हम प्रूव कर सकते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, एस जीरो है इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक बच्चों टाइम निकल गया, बच्चों एक टैप वाटर और इससे क्या करते हो, ये थोड़ा सा धीरे से ओपन करो तो वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। सो फ्रॉम ए टैप वाटर water drop
drops are falling at regular interval. इसमें कुछ सवाल देता हूं, ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे। रेगुलर इंटरवल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज टी नॉट के बाद फिर नेक्स्ट ड्रॉप टी नॉट के बाद फॉल करेगा, इस टाइप से। फाइंड डिस्टेंस ऑफ Find ratio of distance of first, second and third drop from tap when fourth drop is about to fall. तो क्या करना, सुन लो, रेगुलर इंटरवल पे यहां से वाटर फॉल कर रहा है। मान लो पहला ड्रॉप ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये फोर्थ अभी जस्ट गिरने वाला है। मान लो रेगुलर टाइम इंटरवल टी नॉट है तो ये ड्रॉप कितना डिस्टेंस चला है, कितना टाइम तक चला है थर्ड ड्रॉप? ओके सर, टी नॉट टाइम चला होगा क्योंकि इसके गिरने के बाद ये अब जस्ट गिरने वाला है, तो टी नॉट टाइम ही चला होगा। ये कितना चला होगा टाइम? ये टू टी नॉट चला होगा। ये कितना चला होगा बच्चों? और मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ड्रॉप। दैट मीन्स ये एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री क्या होगा? ये पूछ रहा हूं। ठीक है ना? तो कैसे कहें बच्चों, सर बहुत ही सिंपल सा है। हमने ये देख लिया S1 को अगर मैं लिखूं, S1 इक्वल टू तो लिखूंगा हाफ इनिशियल वेलोसिटी, तो सबका जीरो है, हाफ a इनटू 3 t नॉट का स्क्वायर। S2 हो जाएगा बच्चों हाफ g 2 t नॉट का स्क्वायर और S3 हो जाएगा हाफ g t नॉट का स्क्वायर। S1 is to S2 is to S3 जो आएगा 9 is to 4 is to 1 हो जाएगा, है ना? कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ देता है कि सपोज इसके बीच का डिस्टेंस इस टू इसके बीच का डिस्टेंस इस टू इस के बीच का डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट सेकंड के बीच का डिस्टेंस h1, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस h2 और थर्ड एंड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस h3, ये बताओ। तो ये बता सकते हो क्या h1 is to s2 is to s3? तो
आंसर पूछ रहे दिस माइनस दिस तो दिस माइनस दिस हो जाएगा एच वन, एच वन क्या हो जाएगा एस वन माइनस एस टू, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5:9-4, 4-1 or 1 ये आंसर आ जाएगा इसका। ये दोनों बड़ा फेमस सवाल बच्चों, एक टफ सवाल अब ले रहा हूं है ना, अच्छा सा सवाल। एक बॉल है इसको ना यू स्पीड से थ्रो कर दिया, बॉल को यू स्पीड से थ्रो कर दिया, कहां से टॉप ऑफ ए टावर से, और ये बॉल ऊपर गया और ये जाके ग्राउंड को हिट किया है टी वन टाइम। सुनना एक टॉप ऑफ अ टावर से एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया और ये हिट किया है टी वन टाइम में। अब सेकेंड टाइम में क्या किया, एक बॉल को ना नीचे ही थ्रो कर दिया यू स्पीड से एंड इट हिट द ग्राउंड एट टाइम टी टू। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट इज इट इज ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो। मैं लिख रहा हूं ब्लू कलर से बट तुम्हें तो नहीं दिख रहा होगा, सब व्हाइट ही दिख रहा होगा। इट इज ड्रॉप, सो ये कितने टाइम में पहुंचेगा बच्चों, ये टी थ्री क्या होगा, कैन यू प्रूव दैट दिस टी थ्री विल बी, शायद ये आता है रूट टी वन टी टू। ये बड़ा फेमस सवाल है तो इसको स्टार मार्क कर लेना, 2 star, 3 star ये जरूर याद रखना चाहिए। तो सवाल क्या है लिख लो, सवाल में लिखा है बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चों। मैंने सवाल लिख दिया, तुम लोगों ने समझ लिया था पहले सवाल, मैं लिख दिया हूँ। फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड यू, इट हिट बेस इन टाइम टी वन, इफ इट इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड इट हिट द बेस इन टाइम टी टू, find time when it will hit the ground, hit the base if it is dropped from the position, या मैं कहूं कि टी थ्री टाइम लिया है तो प्रूफ करना है कि this will be root टी वन टी टू। तो बच्चों ये सवाल क्लियर, आज ये सवाल सीख लिया मतलब कुछ सीख लिया बच्चों, आज का क्लास सफल रहा इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर मतलब जो और ड्रॉप्ड जो ड्रॉप्ड हुआ है वो थर्ड पोजीशन उसे ही कंसीडर किया है ना, तीन केस लिया, पहला में क्या किया ऊपर थ्रो किया, दूसरा में क्या किया नीचे थ्रो किया सेम स्पीड से, तीसरा में क्या किया ड्रॉप किया। तो तीसरा में जब ड्रॉप किया तो कितने टाइम में हिट किया, वो टी थ्री निकालना है, किसके टर्म में टी वन टी टू के टर्म में। तो बच्चों में सॉल्व कर रहा हूं, सो देखना यहाँ पे ये हाइट दिया है, मान लेते हैं ये हाइट एच है एंड यू आर फ्री कि अपवर्ड को पॉजिटिव लू या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लू। मैं काम करता हूं, मैं डाउनवर्ड एक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूं। तो डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव ले लिया बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट जो है एच पॉजिटिव है, तो फर्स्ट केस को लिख रहा हूं एच इज इक्वल टू ये बच्चों निगेटिव है यू इंटू टी वन, यू निगेटिव है बच्चों ऊपर है a पॉजिटिव है प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये इक्वेशन वन हो गया। सेकेंड केस ले रहा हूं बच्चों, सेकेंड केस में u भी पॉजिटिव h भी पॉजिटिव g भी पॉजिटिव, u p2 प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। और बच्चों थर्ड केस में लगा है टाइम टी थ्री, एच इज इक्वल टू यू तो जीरो है हाफ जी इंटू टी थ्री का स्क्वायर। बच्चों टी वन टी टू लाना है और देखो यू भी नहीं चाहिए आंसर में, तो इसको मिला करके हमें क्या करना है यू को हटा देना, तो वन और टू से क्या करूं बच्चों सो दैट यू रिमूव हो जाए, यू हट जाए, एडिशन
इसको टी टू से मल्टीप्लाई, इसको टी वन से, सो वन इंटू इक्वेशन वन इंटू टी टू प्लस इक्वेशन टू इंटू टी वन एड कर दो, तो एच यहां पे बच जाएगा टी वन प्लस टी टू, और बच्चों ये एड करके जीरो हो जाएगा, और यहां पे देखो हाफ जी, यहाँ पे टी टू मल्टीप्लाइड है, टी वन टी टू कॉमन ले लिया, यहाँ भी रहेगा, इधर बच जाएगा बच्चों टी वन प्लस टी टू, और देखो ये टी वन प्लस टी टू चला जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी वन टी टू, ये इक्वेशन फोर हो गया। इक्वेशन थ्री देखो एंड फोर देखो, थ्री एंड फोर से बहुत क्लियरली दिख रहा है टी थ्री का स्क्वायर कितना है टी वन टी टू, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन टू प्रूव, ये प्रूफ हो गया। बच्चों ये फास्ट मैंने लिखा बट समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं कि तो अपने छत के कॉर्नर पे चले जाओ, जाना नहीं एकदम कॉर्नर पे, तो गिर उड़ गए तो फिर हो जाएगा, मैं समझ कर रहा हूं। उसने क्या किया कि ऐसे थ्रो किया ऊपर यू स्पीड से, और क्लॉक देखा कि वो कितने देर बाद फिर नीचे हिट किया, टी वन टाइम पे हिट किया। दूसरी बार में क्या किया उसने, वहीं से नीचे उसी स्पीड से नीचे थ्रो कर दिया, फिर देखा ग्राउंड पे कितने टाइम में हिट किया टी टू टाइम, एंड थर्ड केस में वहीं से क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया, कितने टाइम में हिट करेगा ये निकालना, और वो टी वन टी टू के टाइम में ये आया। पहले सवाल क्लियर हुआ क्या, सॉल्यूशंस रहने दो, सॉल्यूशंस तो क्लियर हो ही जाएगा। यस सर, अगर क्वेश्चंस क्लियर है तो सॉल्व 90% सवाल सॉल्व हो जाता है। सर सर हमने इसमें जो टी वन पर जो थ्रो किया था बॉल, उसमें जो हाइट कंसीडर किया था, उसमें जो ऊपर से फिर से वो बॉल थ्रो करेंगे वही हाइट कंसीडर, उधर से ही हाइट कंसीडर होगी ना। आयुष तो तेरा ना कान पकड़ूंगा मैं, आना तू ऑफलाइन में, तू अपने छत पे गया तो जब बॉल ऊपर थ्रो किया तो जो बिल्डिंग की हाइट है, जब बॉल नीचे करोगे तो क्या बिल्डिंग की हाइट लंबी हो जाएगी, तुम्हारा घर दो मंजिले से तीन मंजिले का हो जाएगा आयुष? नो सर। तो कैसे सवाल पूछता है यार, अरे हाइट तो वही रहना, वही से एक्सपेरिमेंट करें, कितना अच्छा तो बताया, तो अपने छत पे गया, एक बार बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक बार बॉल को नीचे थ्रो किया, ग्राउंड में कितना हिट कर रहा, तो तुम्हारा छत की हाइट बढ़ेगी क्या? नो सर। तो दैट्स सिंपल सर, है ना? यस सर। थैंक यू सर। यस सर। एक बार खुद से पहले पूछ लिया करो सवाल, खुद से एंड देन पूछो, है ना, हेजिटेट नहीं करना, गुड थिंग, बट खुद से एक बार पूछो कि सर से क्या पूछ रहे हैं। यस सर। चलो बच्चों, तो चलो एक और छत का सवाल नहीं क्लियर हुआ तो एक और सवाल ले लेते हैं। बच्चों आयुष गया आपने छत पे और एक बॉल को क्या कर दिया इसने, ड्रॉप कर दिया, और इसके छत के टॉप पोजीशन से एच हाइट नीचे एक विंडो है, और विंडो का जो स्पैन है, जो हाइट है विंडो का, दैट इज डी, है ना, तो बॉल क्या है अब यहाँ पे उसका दोस्त बैठा है, मलबार उसका दोस्त है छत के नीचे, सॉरी घर में बैठा है, उसने उसने यहां से ड्रॉप किया, ये देख रहा है कि यहाँ पे बॉल आया और फिर कुछ देर बाद ऐसे क्रॉस कर जाएगा, सो हाउ मच टाइम The ball will take to
बिकॉज स्पैन ऑफ द विंडो एक्सेशन जी है बच्चों, कितना टाइम लेगा क्रॉस करने में, ठीक है। तो बच्चों मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, देखते हैं कि तुम ऑप्शंस देख के भी समझ में आता है क्या। पहला ऑप्शन रूट टू डी बाई जी, दूसरा ऑप्शन रूट टू एक्स प्लस डी अपॉन जी माइनस रूट टू एक्स बाई जी, तीसरा ऑप्शन रूट टू एक्स बाई जी माइनस रूट टू डी बाई जी, चौथा ऑप्शन रूट x minus d, which option is correct? So, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन टू इज करेक्ट, मुझे भी लग रहा है। अच्छा सिंपल सा देखो, यहां से यहां क्रॉस करने का क्या टाइम है ये सवाल में पूछा है, तो तुम क्या करो यहां से यहां आने का टाइम माइनस यहां से यहां आने का, ठीक है। समीक्षा, आयुष, अनुष्का, कौशल, इतने लोगों ने जवाब दे दिया है, और भी पहले लोगों ने कुछ जवाब दिया है, अभिषेक ने पहले बता दिया था।